अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हर्षम भाई, मैं नए 7 के सेलिब्रेशन के लिए वीडियो बनाने के लिए ऊपर आई थी। बड़ी गंदी सी नेल पॉलिश लगा के थी, मुझे नेल पॉलिश नहीं लगानी आती, लेकिन इतनी गंदी सी लगाई है मैंने। मैं ना वोली नेल पॉलिश लेकर आई थी जो पील ऑफ होती है, तो साथ में मैंने बैंगल्स ली थी। मेरा दिल चाहता कि मैं ना, जैसे मैं पहले सेलिब्रेशन में वीडियो में बैंगल्स या नेल पॉलिश लगा के मैंने पहले भी की हुई है, मेरा इस बार फिर दिल चाह रहा था कि मैं ड्राई क्रमलिंग कर रही हूँ, तो ड्राई क्रमलिंग के लिए ना मैं कुछ इसी तरह से तैयार हाथ वगैरह इस तरह करके पहनूँ। और साथ में मैं ना डिफरेंट टाइप के ग्लिटर्स लेकर आई थी। ये देखिए, ये मैं एक ही लेकर आई क्योंकि मुझे एक ही यूज़ करना था। मैंने कहा था कि मैं इसको यूज़ करूँगी, तो लेकिन इधर कोई आसार नहीं मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना शोर डाला हुआ है इन बच्चों ने, इतना बाजे बजाने लगे हुए हैं, उधर साइकिल चलने लगी हुई है, तो मेरा तो मैं कहती हूँ मीटर शॉर्ट किया उन लोगों ने, तो बहुत गुस्सा चढ़ा मुझे। तो मैं क्या करूँ, मैंने इस हाथ में पहनी हुई नेल पॉलिश को देख पेंट हो। मैंने लोकल नेल पॉलिश लेकर आई जो उतर जाती हैं, मैं पक्की वाली नहीं लेकर आई भाई, दाढ़ी लगता है लगाने का मुझे नेल रिमूवर भी मुझे लाना याद नहीं रहा है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ अभी, अगर चुप करते हैं तो कोई फिर वीडियो बनाने का जुगाड़ करती हूँ, अदरवाइज़ कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। कल 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। कल मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार जाके मैंने जो ज़रूरी सामान लाना था वर्क प्लेस के लिए वो लेकर आई हूँ। वो सेटअप मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी वर्क प्लेस का जो मैंने सेटअप करना है, तो वो आप लोगों ने बताना है आपको कैसा लगा। अभी फ़िलहाल तो जस्ट वो तमाम सामान ही मेरे हाथ धो के कितनी खुशी आ गई, लाइनस नहीं होती वो हो जाती है। तो मैं सामान लेकर आई हूँ, और वो मेरा सारा सामान जो अभी नीचे पड़ा हुआ है, और टब्स लेकर आई हूँ डिफरेंट कलर्स के, लेकिन वो लोकल वाले हैं, 3 लेकर आई हूँ, 3 टब्स। तो साथ में शीट्स लेकर आई हूँ, ऊपर नई शीट्स लेकर आई हूँ। ये शीट लाई थी ना पहले, तो पुरानी फटी हुई है, थोड़ी फट गई है, उसको भी मैं थोड़ा टेप अप कर दूँगी। लेकिन एक और शीट लेकर आई हूँ उसी तरह की, लेकिन वो भी बड़े साइज़ में है, क्योंकि मैं जो सेटअप करना है ना उसके लिए ज़रूरी है वो शीट भी। तो टब्स लेकर आई, शीट लेकर आई हूँ, खुरचने के लिए लेकर आई हूँ, दो शेप्स लेकर आई, मुझे दो ही अच्छी लगी थी वहाँ पे, बाकी सब बहुत बड़ी बड़ी थी। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा वो जो मेरा टब इतना गंदा सा पिंक कलर का लाई थी, वाइट हो गया, मैंने कहा मैं इसका कंप्लेन किसकी कंप्लेन करूँगी जाके जहाँ से मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही गंदा टब, मैंने इतना मतलब 650 का वो टब है, एक 650 का, लेकिन लोकल उन्होंने इतना दिया कि उसका कलर ही उड़ गया। खैर मैं इसलिए इतना ज़्यादा मामू बाहर उठा नहीं, क्योंकि वहाँ मेरी सिस्टर हो, मेरा भाई हो, वो बैठे हैं कुछ मामू वगैरह, तो मैं नहीं चाह रही थी उससे ब्लॉग लेके आऊँ। तो अभी ना मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, एंड कह रही हूँ इन बच्चों को चुप करा लूँ, इसके बाद मैं अगर सेटअप हुआ तो वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है? अच्छा, मैंने ना 7th जो सेलिब्रेशन थी बड़ी डल रिजल्ट है इस टाइम, इतना मुझे कल्पना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, इतना शोर हो रहा था और ऊपर भी सब बैठे हुए थे, तो मुझे इतनी क्या कहते हैं मिन्नतें कर करके ना उनको नीचे भेजना पड़ा। ऊपर से इस टाइम इतना डल रिज़ल्ट हो गया, पता नहीं कैसी वीडियो बनी है, साउंड आया या नहीं आया, और टेक्सचर के कलर भी नहीं नज़र आए सही से, तो पता नहीं कैसी वीडियो बनी है ये रिज़ल्ट। अभी टेक्सचर का एक ही वही कलर बन गया जो एक अब मेरे ख्याल सब डर्स को मिल के बनता है। अब इसका तो अब इसका जब रीफॉर्म आएगा ना, तब आपने बताना इसका टेक्सचर वही कलर का जो मेरी है नॉर्मल जो बाकी डर्ट्स है, क्योंकि मैंने बनाई हुई है सब डर्ट्स की मिला के कुछ एक डर्ट, तो उसी तरह का ही लग रहा है, कुछ खास नहीं मुझे लगा इसका मिक्स करके। लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने अपनी 9 डर्ट्स की जो है ना सेलिब्रेशन वीडियो डाली है, उम्मीद आपको अच्छी लगी हुई है नहीं, और मैंने लेकिन इंशाल्लाह अभी इसको मैं बंद कर रही हूँ, उसको एडिट भी करनी थी आके। अरे मैंने ना सारी जो टेक्सचर था तो डाल कर सबनी वो रख दिया मैंने एक टब में निकाल के, अब मैं ना उसको भी नहीं मिक्स करूँगी, मिक्स में आपको कल उसका करते हुए दिखाऊँगी कि वो कैसा उसका क्या कहते हैं रिजल्ट है कलर मिक्स करने के बाद पानी में डाल के। मुझे लगता है ब्राउन टच दे रही है, कोई ब्राउन टेक्सचर जैसे ब्राउन डर्ट उस तरह का टेस्ट वो कलर दे रही है, और ये थोड़ी वाइट डर्ट में मैंने इसकी शेप कटिंग की थी, क्योंकि मैंने इसको नहीं रेड किया था स्क्वायर शेप में,
मैंने किसी को काट के ना स्क्वायर शेप बना ली उसकी। ये भी अलग से ड्राई पड़ा हुआ था टेक्सचर, तो मैंने कर लिया उसको। मुल्तानी मिट्टी वाले मुझे ना मज़ा नहीं आया यकीन करें, और टेक्सचर जो था ना वो उस पर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था मुझे हाथों में। कुछ मैंने वो कलर लगा लिया था ग्लिटर ऑयल लगाने की वजह से, वो भी बड़ा गंदा मुझे। चलो एक्सपीरियंसेस से बंदा सीखता है, गंदे गंदे एक्सपीरियंस। मैंने ना अब डर्ट के पीसेस निकाल के रखने हैं, और ये मैं उठा लूँ फिर मैं आपको ना वो, ये मैंने नेल पॉलिश भी उतारनी है, बहुत ही वैशी लग रही है हाथ मेरे। मैं ना ये ग्रे डर्ट के चंक्स निकालने लगी, इसके चंक्स निकालने हैं, वो निकाल के रख दूँ। डर्ट मैंने अभी नहीं निकाली है, अभी मैंने ना वाइट डर्ट जो है ना उसी को ही क्या कहते हैं कट करके रखा था, क्योंकि वो गीली थी। और ये पता नहीं कैसे मेरे पीस टूट गए, शेप टेक्सचर की वजह से जब मैं कवर करने लगी थी ना उसी दौरान ही टूट गई होगी ये। तो ये देखिए चूड़ी मैं अपने हाथों से बड़ी ले आई हुई, मुझे कैसे चूड़ी आपको पूरी नहीं आती बयान, हाथ बहुत ही स्मार्ट है। ये देखिए टेक्सचर है इसके भी, हमें पानी मिक्स करके रख दूंगी, फिर पतली सी कोई स्लैब बन जाएगी, मज़े की लगेगी करने में। कल इंशाल्लाह मैंने मुल्तानी मिट्टी की टेक्सचर की वीडियो बनाऊंगी, आज मैंने एक और बनाऊंगी की सेलिब्रेशन वीडियो रेडी कर दी आप लोगों के लिए। हाय हाय सत्यानाश हो जाता है सब कामों का। सोचता क्या बनता हो क्या जाता है, अब आजाने शुरू होने वाली है। ये बंद कर रही हूँ ब्लॉग, आधा अगर कल बनाए तो इसी के साथ अटैच करके अपलोड कर दूँगी, एक पहले से भी बना के रखा हूँ वो डाल दूँगी, और ये जो आज बनाए इसको परसों तक डालूँगी, एक कल डालूँगी जो मैंने पहले से बना के रखा, और एक जो ये वाला आज बना रही इसको परसों डालूँगी। ठीक है, ऐसे मेरे हाथों पर नील पड़े हैं। अभी मैं फ्री हुई हूँ सारी चीज़ें उठा के, और ऊपर ही मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने कहा कि नेल पॉलिश लगाई हुई है क्या करूँ। ये देखें नेल्स के, देखें ऐसे डर्ट गई हुई है, मिट्टी गई है जो, ये देखें ये गंदी सी नेल पॉलिश लगाई हुई हूँ। एक कलर की नहीं लाई, काफ़ी कलर्स की लाई थी, इसलिए लाई थी मैंने कहा ये रिमूव हो जाती है ऊपर से ईजीली, तो इसलिए मैंने लगा भी ली, वरना आपको पता है ये चीज़ें लगाते हैं मैं बहुत सोचती हूँ। मैं तो आपके सामने उतार के दिखाती हूँ, देखिए मैंने इसी टाइम लगाई, मुझे इरिटेशन हो रही थी इतनी ज़्यादा, मैं तो ऊपर उतार के जाती हूँ एक दफ़ा, फिर नीचे जाके कपड़े भी चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया क्योंकि वो डस्ट थी ना उड़ी, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। देखिए मैंने नेल पॉलिश उतारी, नेल्स भी इतने गंदे हो गए, इनको भी काटती हूँ जाके। ये जो ना ये शुक्र उतर गई है मेरे नेल्स में ना, चुपकी नहीं रही नेल पॉलिश। फैशन भी कर लो और उतार भी दो, ये फ़ायदा है, नेल्स भी कर लो सारी डर्ट उतर गई ना हो। तो मैंने कहा ये सीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ और कपड़े भी चेंज करती हूँ। देखिए ज़रा ग्लिटर सारा अभी तक हाथों में लगा हुआ है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। खैर मैं अभी छत पे आई थी, और देखे अभी मैं 5:17 हुए हैं, मैंने कहा मैं आके वीडियो बनाऊंगी, तो देखा बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश। टेक्सचर्स नहीं मैंने भी कवर किए, बादल तो इतने निकले नहीं हुए पर बारिश इतनी हो रही है, मतलब बारिश हो रही है फिर भी। ये देखें सारे टेक्सचर गीले हो रहे हल्के हल्के, मुझे चाहिए इनको कवर कर दूँ, कवर कर देती हूँ जल्दी से इससे पहले कि तेज़ बारिश हो जाए, तो मैं कवर कर दूँ ज़रा से इन्हें जल्दी से। अच्छा जी, बारिश जो भी हो रही थी मैंने फटाफट से क्या, सॉरी माइक आ गया था, बारिश हो रही थी मैंने फटाफट से सोचा कि शील्ड दे देती हूँ बारिश तेज़ ना हो जाए, लेकिन बारिश रुक गई है
और मैंने डिवाइडर के चलते इनको उठा के इधर रख दिए, देखे। और वो जो टब में वाला डर्ट की स्लैब्स पर उसको उठा के निकाल के रखा है। तो अब जो ये डैम टेक्सचर थोड़ा सा था, ये बॉल्स का बना हुआ, मैंने कहा कि मैं ना इसको इसकी दोबारा से पतली सी एक स्लैब बनाती हूँ, बिल्कुल थिन सी, ताकि ये मज़े की लगे। ठीक है, ये मैंने कल डैम पी ना उसकी बना के चली गई थी, मुझे लग रहा है बारिश होगी। मुझे बहुत मज़ा आता है इस टेक्सचर को तोड़ने का। उसे कल कह रहे थे आपने जो ये डर्ट्स बनाई हुई है इनका ट्यूटोरियल्स भी दें, तो जिन जो मेरे नई ब्लॉग चैनल के बारे में इनको पता है, उनको शायद नहीं पता कि मैं पहले ही इन सब के बारे में बता चुकी हूँ, इन ट्यूटोरियल्स के बारे में। मेन चीज़ तो एक होता है कि बनाते कैसे, वो चीज़ तो पता है आपको, लिक्विड से बनती है। अब आप जितनी मर्ज़ी उस लिक्विड जिस मर्ज़ी टेक्सचर का सेपरेट करके डर्ट्स बनाइए, तो आप पर डिपेंड करता है ना। मैंने तो एक चीज़ क्लियरली बता दी किस तरह से बनती है ये, अब उसकी वैरायटी किस तरह देनी है आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो जैसे भी था जितने भी पर टेक्सचर्स थे उन सबकी बनाई है, आपके पास भी अवेलेबल है, आप लोग भी बना सकते हो उसी तरीके से जो तरीका मैंने यूज़ किया, जो तरीका पहले से चैनल पर मौजूद है मेरे। मैं पता नहीं क्यों मेरी ना ऐसी तबीयत सी अजीब हो रही है, सर में गले में दर्द हो रही है मेरे, और बोलने को भी दिल नहीं कर रहा। वो ना पता क्या बात है, ये ना साथ वाले जो है ना वो जलाते हैं लकड़ियों की जगह, वो कैसे कहते हैं जो गाय का गोबर होता है ना उसको ड्राई करके ना उसकी वो उसकी स्मोक से ना मेरे ऐसे अंदर की तरफ तबीयत ना दिल घबरा रहा मेरा। उन्होंने गायें रखी हुई थी ना, तो वो जो गाय का हमारा होता है ना उसे क्या कहते हैं कचरा वगैरह जो भी उसको लकड़ियों की जगह यूज़ करते हैं वो। ये बंदा ना ऐसे फ्री बैठा हो ऐसे टेक्सचर्स को क्रम्बल करने का मज़ा आता है। ये वाइट सीमेंट ले आप उसको बनाएं जैसे वाइट डर्ट बनाई हुई है मैंने, ईजिली बन जाएगी आपकी भी। तो कहते हैं वाइट डर्ट कैसे बनाइए, तो ये मैंने आपको बताया हुआ कि वाइट सीमेंट के ज़रिए वाइट डर्ट बना लें। चले इसको मैं छोड़ ही, बहुत ही हार्ड है मेरा ना दिल चाह रहा है मैं कुछ वीडियो बनाने का जुगाड़ करूं। आज तबीयत बहुत ना स्लो हुई हुई है मेरी, सर में भी दर्द हो रही है और गले में भी। इसके अंदर मैं पानी डाल के इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ, ये देख रहे हो कितना हार्ड है ये। लेकिन जब इसको मैं पानी डाल के रख दूँगी ना ये टेक्सचर में ये सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सख्ती होती है सीमेंट की। चलो इसको मैं बंद कर रही हूँ और आपसे बाद में। आज ना मेरा ब्लॉग बनाने को पता नहीं क्यों दिन कर, पर फिर भी मैं क्या थोड़ी सी क्रम्बलिंग कर लेती हूँ, टेक्सचर चेक करें। आप लोगों ने मेरी कल की डर्ट वाली वीडियो को बहुत पसंद किया,
इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए। बस ये जो मैंने सेटअप करना है ना वो कर लूँ, आज भी मैंने करना था लेकिन भाई जो है वो उसका लैपटॉप नहीं, उसकी विंडो उड़ गई है तो फिर ना वो गया हुआ है विंडो ठीक कराने से, विंडो डाउनलोड कराने से क्या करते हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त टेक्सचर है, सॉफ्ट डेट है ये। थोड़े से चंक से क्रम लेकर मैं इतना बड़ा साइज का बोर्ड लेकर आई हूँ ना, यकीन करें बोर्ड मुझे लगा था मैं पीसेस में लाऊंगी छोटा छोटा पार्ट जाएगा मुझे 500 तक या 600 तक का, लेकिन मैं लाई हूँ बड़े साइज का, वो बहुत महंगा था पर मुझे लेना भी था, मैंने कहा नहीं अच्छी चीज़ मिल रही है ना तो फिर बंदे को उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी चीज़ ले रहे हो तो फिर आप पैसे भी लगाने पड़ते हैं, आप ये नहीं देखते कि अब मुझे भाई इतने का पैसे का पड़ रहा है, इतने पैसों का पड़ रहा है तो मैं गवा दूँ उस चीज़ को, नहीं। क्योंकि मुझे दो तरह के बोर्ड से, एक तो होता है ना बूढ़े टाइप लकड़ी होती है वो गल जाती है फौरन पानी में, एक होती है अच्छी वाली लकड़ी जिसको जल्दी नहीं वो ख़राब होती, तो उन्होंने फिर भी कहा कि अब एहतियात करो इस पर पहले कवर करो इसको शीट से अच्छे से कवर करो, उसके बाद आप ना क्या कहते हैं इसको ईंटों के ऊपर कवर करके फिर ऊपर ये लकड़ी का बोर्ड रखना, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बोर्ड जो है ख़राब नहीं होगा। मैंने कहा कि मैंने फिर ना उसको कवर करना, टेप अप करना है, उसके लिए साथ में वो कवर भी लेकर आई शीट जिसे कवर करनी थी उसे उस बोर्ड को, और साथ में ऊपर देने के लिए भी कवर लाई हूँ जो बारिश वगैरह हो तो टेक्सचर कवर करने के लिए, वो शीट लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जल्दी मैं अपना सेटअप वो शेयर करूँगी। क्या खुशबू है, तो मैं ना आप लोगों ने बताना यकीन करें मेरा इस सेटअप को करने में ना इस टब पूरा टोटल जितना एक्सपेंस लगा है ना, ये टब्स को लेके बोर्ड्स को लेके शीट्स को लेके मैक्सिमम मेरा 15,000 लगा, तो बस इसलिए लगाती हूँ पैसे के ऐसे करती हूँ कवर, इसलिए पैसे लगाती हूँ कि मुझे अपनी चीज़ों को बेहतर करना पसंद है, तो मेरे बजट में नहीं था मुझे जाहिर है क्योंकि मैंने अपने घर का भी सारा सिस्टम देखना होता है, तो उसमें भी मेरी साड़ी होती है शेयरिंग, तो मैं इन चीज़ों के लिए ना बड़ी मुश्किल से अपने लिए साइड पे करती हूँ, लेकिन मुझे करना था साइड पे क्योंकि मैं अपने टेक्सचर्स को टब में पड़े पड़े देख थक गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर किया खर्चा वगैरह मुझे करना है, मैंने सारा सेटअप वगैरह इंशाल्लाह ताला आप लोग भी अक गए होगी बार बार, ये डिफरेंट वैरायटी भी आपको चाहिए भाई, बस इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मेरे काम की इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिलेगी, बस आप लोगों ने थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना जहाँ इतना दिखाया जहाँ मैंने दो सेलिब्रेशन की वीडियोज़ डाली इंशाल्लाह तीसरी रेडी करूँगी वो तीसरी आएगी, फिर चौथी का रेडी करूँगी वो भी मैंने वो भी जाहिर उसको भी टाइम लगेगा रेडी करने में, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला आपको मेरी 4 सेलिब्रेशन की वीडियोज़ तो हो जाएगी, दो ये दो डालनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेशन 8 के जब होगा उसकी करेंगे अच्छी सी, लेकिन फ़िलहाल इसको निपटाना है भाई, तो मैं अभी रख दूँ बारिश शुरू हो गई है, तो मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह ताला बाद में। ये देखिए जी बारिश फिर शुरू हो गई है और मैंने शीट से कवर कर दिए सारे टेक्सचर्स को, ठीक है, और ये कल वाली डर्ट है जो मैंने ऑल डर्ट क्रमलिंग की, उसका टेक्सचर सेम वैसा ही लग रहा है जैसे मेरे पास पहली डर्ट है, मेरे हाथ से
टेलीफॉर्म एक बार आएगा, उसके बाद पता नहीं मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर दूँगी इसी डर्ट में जो सेम सिमिलर ऐसे, या फिर मैं इसको सेपरेट ही रखूँगी, लेकिन अभी मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मेरा दिमाग फुल थका हुआ है। ये देखिए इसकी बकेट है विशाल की, जो उसको पता ही नहीं है इसको कवर करके जाए। ये देखें बारिश तेज हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसका मूडी स्मार्ट की बकेट में कैसे सेव करूँ। इस लड़की को पता ही नहीं होता है, अभी इसलिए आवाज़ें दे रही हूँ तो कोई ऊपर आके अपना टेक्सचर कवर करे। मेरे टूटे टब से कवर कर दिए। चलो मैं इसे जा रही हूँ, मैंने गाची भी ला के ना इधर रख दी थी नीचे ही, मैं कैसे टेक्सचर रेडी करना मैंने और रे डेड का। चलो मैं चलती हूँ। ओहो कोई टेक्सचर होता ना ऐसा तो मैं आपको बारीकी उसको क्रम्बल करके दिखाती हूँ, लेकिन कोई नहीं अभी चलते नीचे और लॉक एंड करते हैं।